आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के प्रथम चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे। मुख्य मुख्य पॉइंट्स के बारे में, जैसे पहला चैप्टर है मेरा जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम से संबंधित है। जैव प्रक्रम का मतलब होता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम का होता है। यानी अनुरक्षण का मतलब क्या, उनका संचालन होता है, उनका जीवन यापन होता है, वे हमारा लाइफ प्रोसेस कहलाता है, जैव प्रक्रम का। दूसरा पॉइंट है हमारा पोषण क्या है, तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब हमें भोजन से प्राप्त होता है, और ये प्राप्त करने की प्रक्रिया ही हमारा जो है पोषण कहलाता है। पोषण की विधियाँ में अगर हम देखें तो जीवों में पोषण करने की मुख्यतः दो विधि होती है, जैसे में स्वपोषण और दूसरा हो गया आपका परपोषण। स्वपोषण का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और परपोषण का मतलब होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। स्वपोषण किसको कहते हैं, कहता है स्वपोषण यानी सभी, वे सभी जीव हम कह सकते हैं जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है वो स्वपोषी कहलाता है, तथा इस प्रक्रिया को हम लोग स्वपोषण कहते हैं। जैसे में अगर हम ले ले तो सभी हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अगर हम देखें तो परपोषण है जिसको हम लोग हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये परपोषण क्या होता है, परपोषण कहता है वो प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार न करके किसी अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, वो परपोषी कहलाते हैं, तथा इस प्रक्रिया को हम लोग परपोषण कहते हैं। जैसे में अगर हम लोग ले ले तो जंतु, जीव जंतु जितने भी है वो सब के सब क्या है, परपोषण है। परपोषण के प्रकार अगर हम देखें तो परपोषण के तीन प्रकार है, एक मृतजीवी पोषण है, एक परजीवी पोषण है, और एक तीसरा प्राणी संपोषण है। यानी परपोषण के तीन प्रकार, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। मृतजीवी पोषण किसको कहते हैं, तो अगर मृतजीवी पोषण को हम लोग देखें तो कहता है वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। यानी अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि वैसा जीव जो अपना भोजन जो है सरे गले पदार्थों से, दैट मीन्स हम कह सकते हैं मृत जंतुओं के शरीर से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे ऐसे जीव को मृतजीवी कहते हैं, जैसे में बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजुआ होगा, जीवाणु हो गया इत्यादि। परजीवी पोषण क्या है, कहता वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में रह करके अस्थायी या अस्थायी रूप से, कहने का मतलब ग्रहण करता है, तो परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे में अगर अमर बेल का पौधा ले ले, गोल कृमि ले ले, हुकम वर्ग हो गया, टेप वर्ग, कवक, जीवाणु, ये सब जो है दूसरे जीवों के संपर्क में रह करके अपना भोजन बनाते हैं। जैसे में बहुत सारा है जीव, उसको हम कह सकते हैं कि वो परजीवी पोषण के अंतर्गत आते हैं। प्राणी संपोषण क्या है, कहता वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, वो प्राणी संपोषण कहलाता है। ऐसे जीव को हम लोग प्राणी संभोजी भी कहते हैं। जैसे में अमीबा, मेंढक, मनुष्य, ये सब जो है जंतुओं के भोजन कराने की विधि द्वारा जो है प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से हमने पोषण क्या है, जैव प्रक्रम क्या है, पोषण क्या है और उसकी कितनी विधियाँ हैं, इनके बारे में समझा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।